तुम अपनी सीमा पार कर रही हो ज्योत्सना बहु। ताऊ, मेरे विरुद्ध जाकर अपने सीमा तो कब की पार कर चुकी है ये। आज तक जिसे हम मासूम और भोली समझते रहे वो तो लुच्ची और शानी निकली। ये घपरे, इसने मात्र सीमा पार की है, लुच्ची और शानी भी नहीं है ये। हाँ, अरे ये तो बेचारी भोली है। उन चालाक गुजरातियों ने अपने शब्द जाल में इसे फंसा कर अपने ही पति के विरुद्ध षड्यंत्र रचाने के लिए उकसाया, और जब पकड़े गए तब सारा दोष इस पे डालकर स्वतः बच गए। हाँ। ए केशव कार्टिया, तू हाँ क्या बोल रहा है? उठाना वहां पर। अरे ज्योत्सना का पूरा दोष वो दोनों अपने सर पे ले रहे थे ताऊ, है कि नहीं? बोल। हाँ, इतना समय क्यों लग रहा है हाँ बोलने के लिए? अरे इसमें भी कोई उनकी चाल होगी, वो गुजराती है गुजराती। हाँ, अभी कैसे इतना जल्दी से हाँ बोला तूने? बिल्कुल सही किया केशव भाऊ जी ने अन्ना, सारा काम जल्दी जल्दी करना होगा, हमें शादी के लिए समय नहीं है। अच्छा, इसलिए जल्दी जल्दी हाँ बोला ये? अरे हमें तू तू कुछ कर, तू तू जा उर्मिला बहन के पास जा, उसको बोल तुझे जल्दी से तैयार कर देने के लिए शादी के लिए। जा। बरबर। रुक जाओ भारती, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। बरबर। क्षमा करना ताऊ, पर हमारी मराठी परंपरा ये तो नहीं ना कहती कि किसी के व्यक्तित्व को उसके जात और प्रांत के हिसाब से तोला जाए। हाँ। अरे तू अभी तक यही है, चल जा इधर से। अंजे, तू मेरी सोच के विरुद्ध जाएगा? नहीं नहीं ताऊ, मैं आपकी सोच के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो सोचना भी आप ही ने सिखाया है। मैं आपको अपनी तरफ लाऊंगा, क्योंकि अभी आप अपनी सोच के साथ थोड़ी भटकने लगे हैं। ताऊ, मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ उसमें ज्योत्सना भी उतनी ही दोषी है जितने की वो दोनों। क्या कहा निर्मिति? नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि भाई को ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए? निर्मिति ने अगर कहा होता ना केशव, तो सही कहा होता। अहो, मैं तो शांत ही हो गया हूं। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम। घर के बाहर जाने का दरवाजा उस तरफ है। वो अपना सामान बांधने जा रही है बेशरम। अरे ये क्या हो क्या रहा है अपने घर में? हमारे घर की बहू अपना घर छोड़ के जा रही है और उसे कोई रोक भी नहीं रहा। ठीक है, मैं भी एक मराठी मानुष हूं, उन गुजरातियों को उनके घर से ही नहीं महादेव पेट से भी बाहर निकाल दूंगा। बरोबर? नहीं बरोबर, ये बरोबर नहीं है तब, है कि नहीं? बोलो। हाँ। थोड़ा है कि नहीं? बोलो। हाँ। सब कुछ आज के दिन हो रहा था ना, वो बुरा उताऊ आते ना, महेंद्र उनको छेड़ते ना, अन्ना भाई वहां आते, और ना अन्ना भाई के सामने वो केशव के हाथ में हार्ड डिस्क आती। अरे बस, अन्ना भाई ने बोला ना कि वो शादी नहीं रोकेंगे, फिर क्यों इतना कुड़कुड़ कर रही है तू? ले आ गई तेरी मेन हीरोइन, कर तैयार इसको। लेकिन मैं क्या बनने वाली हूँ? बोल। भारती भाभी, डिसाइड हुआ तो था कि आप मेरा पात्र निभाएंगी। मैं आज दुल्हन बनने वाली हूँ, तो आपको भी दुल्हन ही बनना पड़ेगा। चलिए अब। हाँ जा। चल अभी भाई, मिल्कशेक। सॉरी। हाँ अभिषेक, सॉरी। हाँ सॉरी, अभी तू और महेंद्र भी जाके उनको तैयार कर दे, वो अपना, अरे नाम मिट गया इनका, वो अपना आयकर भाई को। जा। प्रभाकर।
हाँ भैया अभी कर आया ना। ए, तू क्यों इतना टेंशन में? देख बेटा अभी जो होना है वो शादी के बाद ही होगा। तो तू हाई क्लास ऐसे तबला तोड़ डांस करना शादी में अभी। भाई के बिना कौन डांस करेगा मम्मी? अन्ना ने कहा कि शादी में एक सदस्य नहीं होगा और वो सदस्य आई होगी। महेंद्र भाऊ और उर्मिला वहिनी के पीछे पड़े, वो प्लान फेल हो गया तो फिर ताऊ जी के साथ मिलकर गायत्री को घर से भगाने की कोशिश की, वहां भी फेल हो गए तो अब आई के पीछे पड़ गए। आपको मिलता क्या है केशव अपने लोगों को तकलीफ में देखकर? तुम ना ऐसे बात मत किया करो, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए निर्मिति। सोचो एक बार आई घर से चली गई तो किचन पे सिर्फ तुम्हारा राज होगा। ये भारती वहिनी करो तुम यूं दो मिनट में बाटली में उतार लोगी, और बेचारे अन्ना वो तो डेरे बुजुर्ग, वो तो कभी भी लुढ़क जाएंगे, फिर दुकान हो जाएगी मेरी। लगाइए और जोर से लगाइए अन्ना। दादी दादी रुके, दादी मेरी बात तो सुनिए, दादी दादी दादी, मैं इस तरह हम सबको छोड़कर आपको नहीं जाने दे सकता, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आर्टिस्ट तो मैंने गायब की थी और ताऊ जी की पोशाक पे निकाल कर सेंटा क्लॉज की पोशाक मैंने रखी थी। नहीं बड़ा, तू तो बच्चा है रे, तुझे मैंने जो बोला तूने वही किया। अन्ना अन्ना आपके दंड का भागी मैं हूं, आपके पद चिन्हों पर चलने के बजाय आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर बैठा, इसीलिए अन्ना दंड मुझे दीजिए, लेकिन दादी को रोक लीजिए अन्ना। अन्ना अन्ना आई चली गई तो घर में कुछ नहीं बचेगा, प्लीज रोकिए ना आई को। रुको ज्योत्सना, जरूरत क्या थी बोलने की? भाई खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या लेके जा रही हो। ये क्या महेंद्र, आप ये बैंगन की तरह मुंह लटका के बैठे हैं। अभी अगर खाना नहीं खाया होता ना हमने तो भरता बना डाल दिया आपके मुंह का। अच्छा चलो प्रैक्टिस करते हैं। तू अभी भी प्रैक्टिस को लेकर बैठी है? महेंद्र बच्चों की शादी तो करनी ही है ना, कुछ भी हो जाए ये शादी का शो मस्ट गो ऑन। अब उसके बाद हो सकता है कि अन्ना भाई हमारे साथ कोई रिश्ता ना रखे, हमें बोरिया बिस्तरा समेट कर कहीं चले जाना पड़े यहाँ से, लेकिन हमारी बेटी तो सुखी हो जाएगी ना। वो तो है, तू सही कह रही है उर्मिली। तो बजी चलो तो फिर आप शुरू हो जाओ अन्ना भाई की तरह बोलना। चल चल शुरू करते चल। ताऊ मैंने जिंदगी में जो भी निर्णय लिए हैं मैं उस पे अटल रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि मैं कभी गलत बिलत हो ही नहीं सकता, और इस विश्वास की वजह आप हैं ताऊ। मुझे पैदा भले ही मेरे माँ बाप ने किया हो लेकिन शिक्षा और संस्कार मुझे आपने दिए हैं, इसलिए वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। है महेंद्र आपने तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी ताऊ भाई को। हैं? अरे नहीं उर्मिली, वो तो इससे भी ज्यादा सम्मान के लायक हैं। बहुत परेशानी झेली है नहीं उन्होंने, वो बेचारे को ना कहीं घूमने जाने की जरूरत है महेंद्र। हाँ हवा फेरनी जरूर छे। ये महेंद्र एक काम करते हैं ना, हम अपना मन्नत पूरी करने जा रहे हैं ना द्वारका गुजरात, तो ताऊ भाई को साथ में लेके चलते, उनको वहाँ पे मस्त द्वारका घुमा के भेज देंगे वापस। नहीं द्वारका नहीं, द्वारका नहीं महेंद्र, मैं काम करती हूँ, मैं एक नई मन्नत मांग लेती हूँ और उनको शिमला मसूरी घूमने ले चलते। नहीं शिमला नहीं, शिमला नहीं महेंद्र, मैं स्विट्जरलैंड की कोई मन्नत मांग लेती हूँ, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड घूमने ले चलते। तो जिंदगी भर डोबी रहेगी। अरे मन्नत पूरी करने के लिए कोई स्विट्जरलैंड जाता है क्या? ठीक है ना महेंद्र।
है महेंद्र। ताऊ भाई, ये आप है कि मैं आईना देख रही हूँ? तुम आईना नहीं देख रही हो बाड़ा, बल्कि मुझे दिखाया है। इसमें मेरा मन इतना मैला दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं ताऊ, आप ऐसे मत बोलिए। जिंदगी भर गुजराती गुजराती करता रहा, गुजरात की तरफ से हवा भी बहकर आती थी ना तो मैं अपने घर में घुस जाता था। हाँ, लेकिन मुझसे जो गलती हुई है। गलती मुझसे हुई है, अपनी इस गलती का मैं अब प्रायश्चित करूंगा। शादी में गुजराती तरीके से नाच किया। ये ऐसे। हाय महेंद्र, देखा तूने मुझे फिर उसी तरीके से पकड़ा। तुम गुजराती लोग कभी सुधरोगे नहीं। लेकिन आप सॉरी। ये धोती कुर्ता ये सब तुम कब से पहनने लगी? क्या है कि मुझे आपके बगैर रहने की आदत तो है नहीं। मैं कभी मेरी आई के घर भी गई हूं तो आपके साथ ही। पहली बार ही ऐसी नौबत आने वाली है कि तो मैंने सोचा आपके कपड़े बगल में लेकर सो जाऊंगी तो लगेगा मैं आपके साथ ही हूं। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ करोगे तुम। बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गई हो। हाँ जोचना, मेरे कपड़े साथ लेकर तुमने अपनी व्यवस्था तो कर ली, ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। मुझे आदत है क्या तुम्हारे बिना रहने की? आदत है क्या मुझे? तो चलिए ना, दोनों साथ चलते हैं। बेस्ट है। जाएंगे जाएंगे, लेकिन शादी के बाद। शादी तुम्हारे बिना हो सकती है ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ मैं शांत हूँ। सलाह सलाह बानो सलाह शाबाश। आज जो सब लोगों ने एक दूसरे का भेष डाला है बरोबर प्रभाकर, तो आज का पूरा दिन सब उसी पात्र की तरह पेश आएंगे। पूरा हफ्ता उसी पात्र की तरह सबको पेश आना होगा। नहीं, पूरा हफ्ता नहीं, पूरी जिंदगी, जिंदगी भर वही पात्र बनकर रहना होगा। अरे नहीं नहीं ताऊ, सिर्फ आज ही के दिन इस तरह से पेश आना है। अगर हम जिंदगी भर ऐसे रहेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन किसकी पत्नी बितनी है करके। सारे रिश्ते जो है वो गड़बड़ बिड़बड़ हो जाएंगे, है कि नहीं? बोलो। चल चल उर्मिली, चल चल आउने हवे जाउने हवे। हाँ हाँ चक्रमलाल, डोबी है तू, डोबी इतने डोबी कैसे हो सकती है तू? डोबी है तू, डोबी। चल चल उर्मिली, चल चल आज तो हम दोनों धमाल मचा के सबको चौंका देंगे। तू लिख लीजिए टिकट, ले ले ब्रह्म में। प्रभाकर दादा, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? नहीं मैं ठीक हूँ। वो कितनी अच्छी तैयारी की है ना तेरी दूसरी बारात की। प्रभाकर भैया, आप अभिषेक यानी कि दूल्हा बने हैं ना? हाँ, और मैं गायत्री यानी कि दुल्हन बनी हूँ। तो आज के दिन हम सबको अपने अपने पात्र में रहना है। अभी तो कहा महेंद्र अन्ना ने, तो प्रभाकर भैया आज बारात आपकी निकलेगी। क्या ए बार
क्षमा करना। तेरे अरमान तो धरे के धरे रह गए। अरे महेंद्र भाऊ गुजराती, अब क्या मेरा बाप होने का अधिकार विधिकार भी छीन लेंगे क्या आप? ये सारी बातें तो मुझे बोलनी है। ए प्रभाकर डुस्किया, तेरी पहली शादी में बारात बिरात नहीं निकली तो क्या हुआ? अभी तो निकल सकती है ना बाड़ा। तो बजाओ ढोल ताकि हमारी मराठी संस्कृति की धुन पर मराठी नृत्य करके सब बारात निकाल सके। बराबर बराबर। ओ मरेश्वर भाऊ जीवन तो है प्रभाकर के पूरे होते अरमान। धूमधाम से धूमधाम से धूमधाम से। वाह वाह। जीवन तो है केशव के थामे हुए हाव भाव। सुनसान से सुनसान से सुनसान से। नहीं नहीं। तो प्रभाकर के अरमान और केशव के हाव भाव एक हुए। वाह। शहंशाह का फरमान और बिस्किट की भाव भाव एक हुए। ये शीरा खाइए, मैंने भगवान के लिए गरम गरम नाश्ता बनाया है। अरे तुम मुझे क्या दे रही है, भगवान को दे। क्यों, आप मेरे भगवान नहीं है क्या? आखिर पति परमेश्वर ही तो होता है महेंद्र। ए वाईडी चुप रहना, डायरेक्ट मुद्दे पे आ। अच्छा सुनो। हाँ बोल। अपनी बेटी जावित्री के जीवन में। जावित्री गरम मसाला है, हमारी बेटी का नाम गायत्री है। गायत्री, तू हमारी बेटी के नाम में गड़बड़ कैसे कर सकती है? नाम में गड़बड़ करते वक्त अपने पराए का भेदभाव करती हूँ? मैं जानबूझ के थोड़ी भूलती हूँ नाम। अच्छा अभी मेरी बात सुनो। हाँ बोल। गायत्री और अभिषेक के जीवन में सभी सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं महेंद्र। मुरलीधर कृष्ण कन्हैया ने सब सारा वाना कर दिया। नहीं तो बिल्कुल सही कह रही है उर्मिली, अब उन दोनों की गाड़ी पटरी पर आ गई है। और उन दोनों की ये गाड़ी जीवन भर सही पटरी पर रहे उसके लिए मैंने पेट्रोल का बंदोबस्त भी कर लिया है। पेट्रोल मतलब? मतलब मैंने उनके वैवाहिक जीवन में अब कोई भी नई मुसीबत या नई रामायण न शुरू हो जाए ना उसके लिए हमारे गुजरात के द्वारकाधीश के मंदिर में गायत्री और अभिषेक की तरफ से पूजा करके कुछ अधूरी रस्में पूरी करने की मान्यता मानी है। अरे वाह। तो हम लोग है ना जल्दी उन दोनों को गुजरात ले जाकर। हाँ उर्मिली, पहले उन दोनों को हनीमून से लौटने तो दे, फिर ले जाएंगे उन्हें गुजरात और तेरी मन्नत पूरी करवाएंगे। और फिर हम दोनों चले जाएंगे हमारे दूसरे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड। और लौटते समय हमारे साथ और एक बिस्किट होगा। लो बोलो, एक और कुत्ता गोद लेने की बात से भी शर्माई डोबी। अभिषेक। गायत्री। अभिषेक। गायत्री। अभिषेक। गायत्री। हनीमून। बाय 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 बाय। कितने खुश हैं ना दोनों, होंगे ना वहीनी? फाइनली सही वाले प्यार भरे हनीमून पे जाएंगे दोनों। सिंगापुर जा रहे हो ना दोनों? चल चल निर्मिती,
इनकी पैकिंग कर लेते हैं। सला वैसे सिंगापुर जाने के लिए क्या क्या लगेगा? वहीनी सिंगापुर मतलब हमारी तरह गर्म प्रदेश, और वहाँ ना कभी भी बारिश हो जाती है, तो इसलिए छाता, क्रॉक्स, उसके बाद रेनकोट, कुछ कॉटन के लूज कपड़े और सनस्क्रीन, बस। बरा बरा चलो पैकिंग करते। चला गायत्री यहाँ सिंगापुर की आइटिनरी सुनो। हम वहाँ पहुँचते 7 बजे फटाफट नाश्ता करेंगे, नाश्ता खत्म करते ही हम देखने जाएंगे जू। फटाफट वहाँ से टूर ऑपरेटर हमें लेके जाएगा बर्ड पार्क में। बर्ड पार्क देखते ही टूर ऑपरेटर के साथ जाएंगे हम आर्टिफिशियल बीच पे, और वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 15 मिनट रहेंगे। उसके बाद टूर ऑपरेटर हमें लेके जाएगा खाना खाने। वहां से फटाफट खाना खा के हम जाएंगे बलून राइड पे। बलून राइड कंप्लीट करते ही टूर ऑपरेटर के साथ हम अभिषेक, ये हनीमून हम दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं या टूर ऑपरेटर के साथ? अभी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे 20 हनीमून कपल है, सब टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा ना। तो इंडिया में जाते हैं ना कहीं पे, मुझे ऐसे टूर ऑपरेटर के साथ नहीं जाना। मनाली, मनाली जाए। मनाली हुँ? मतलब ठंडी ठंडी मनाली में हमारा गर्मा गर्म हनीमून।